नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। आज पहली बार आज हम बात करेंगे यूपी पीएससी एग्ज़ाम की। अगर आपने यूपी स्टेट का फॉर्म फिल करा है जिसका एग्ज़ाम होने वाला था 21 मई को, लेकिन वो किसी रीज़न से पोस्टपोन्ड हो गया है, वो आगे स्थगित हो गया है, अब एग्ज़ाम होगा जुलाई में। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आई थिंक एग्ज़ाम जुलाई में होगा। किस डेट में होगा इसका अभी फाइनल किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, आपका फोकस केवल इस एग्ज़ाम को लेकर के है, या फिर आप यूपी की स्टेट पर ही फोकस करते हैं, जो भी वहाँ पे वैकेंसी निकलती है उस फॉर्म को अगर आप फिल करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। ये पार्ट 1 होगा यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने साथ लेकर बैठिए पेन पेपर, एक नोटबुक और एक पेन। ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको आते हैं ये सभी क्वेश्चंस, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। लेकिन पार्ट 2 जब इस वीडियो का आएगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम यूपीपीएससी का पार्ट 2 जब अपलोड होगा, तो इसका लेवल थोड़ा सा टफ होगा। उस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। फिलहाल आप अपने आप को चेक करिए कि आपको कितनी नॉलेज है इस यूपी स्टेट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा यूपी के काफ़ी बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी डेडिकेटेड स्टेट के बारे में अगर आप फोकस कर रहे हैं एग्ज़ाम को लेकर के, चाहे वो उत्तराखंड का एग्ज़ाम हो मतलब यूकेपीएससी हो, या फिर एमपीपीएससी हो मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका किसी अदर स्टेट का एग्ज़ाम क्यों ना हो, सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए मैप पर, मानचित्र पर, कि कौन सी स्टेट, कौन सा जिला कहाँ पर पड़ता है, या फिर उस स्टेट के नियर में कौन कौन सी कंट्री टच करती है उस राज्य को, या फिर उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है, उत्तर में कौन सा राज्य है, पश्चिम में कौन सा राज्य है, दक्षिण में या फिर अन्य दिशा में कौन सा राज्य है। ठीक है, तो इससे संबंधित एक ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा हरियाणा के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे उसका वेटेज बहुत अधिक होता है, क्वेश्चंस उस स्टेट से पूछे जाते हैं। उत्तराखंड के एग्ज़ाम में उत्तराखंड को लेके काफ़ी सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले याद रखिए, मानचित्र आपको अच्छे से लर्न करना है। मानचित्र को अच्छे से आप रट डालिए, रटिए मत, उसको समझिए, समझने का प्रयास करिए, कई बार उस पर फोकस करिए मानचित्र को लेकर के। ब्लैंक मानचित्र या फिर कोई सी स्टेट की आउटलाइन केवल लेके बैठ जाइए, उसमें आप खुद अपने आप से फिल करिए कि कौन सा जिला कहाँ पर पड़ता है, उसके स्टेट कौन, मतलब उससे संबंधित जो भी उसके कोई भी पार्क है, कौन से पार्क कहाँ पर पड़ते हैं, या फिर कौन सी जगह पर कौन सी फेमस फोर्ट हैं इसके नाम, तो वो सब आप लिखने का प्रयास करिए। जैसे सामने आपके सामने एक मानचित्र मानचित्र है, ये एक मैप है, ये है यूपी का। ठीक है, अब आपको पता होगा ईस्ट यहाँ पर है, वेस्ट यहाँ पर है, नॉर्थ और साउथ, ये 4 डायरेक्शंस हमको इसने दी गई है। देखिए इसमें अब मैं शुरू करता हूँ। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा नेपाल देश टच करता है, ये कौन सी दिशा में पड़ता होगा, उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है, दक्षिण में कौन सा पड़ता है, तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि इसका छोटा सा परिचय, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन इस वीडियो में। जैसे हम बात कर रहे हैं राज्य, हम बात कर रहे हैं यूपी की, इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ। यहाँ तक सभी लोगों को पता होगा, जो बच्चे फ्रेशर हैं उनको भी शायद राजधानी के बारे में पता होगा, लेकिन बात करते हैं कि इसका पूर्व नाम क्या था, इसको पहले हम किस नाम से बुलाते थे, पुकारते थे यूपी को, उसका नाम क्या था। उसका नाम था संयुक्त प्रांत, हम यूपी को पहले बोलते थे संयुक्त प्रांत, क्योंकि ये 2 प्रांतों को मिलके बना था, मिलने को क्या बोलते हैं संयुक्त। ये कब बना था, कब नहीं बना था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, किस वर्ष से इसका नाम परिवर्तित हुआ, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ में, ठीक है, स्किप मत करिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इसकी स्थिति क्या है, उत्तरी अक्षांश में इसकी पोजिशन क्या है, 23 डिग्री से 52 मिनट्स उत्तरी अक्षांश, ये इसकी स्थिति है यूपी की। बाकी बात करते हैं सीमावर्ती राज्य, क्योंकि सीमावर्ती राज्य आपको याद रखने पड़ेंगे, इसके समीप कौन कौन से राज्य हैं, इसकी सीमा पर स्थित कौन कौन से राज्य हैं, उसका नाम क्या है, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर में कौन सा राज्य यूपी,
में स्थित है, या फिर यूपी के उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है, कौन सा राज्य स्थित है, इस तरह से क्वेश्चन देगा आपको, ऑप्शन चार देगा उसमें, उसमें बोलेगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार, इस तरह से आपको पूछेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उत्तर में क्या पड़ता है, उत्तराखंड और नेपाल। अब हम बढ़ते हैं मैप की ओर, देखिए उत्तर में क्या पड़ता है, उत्तराखंड और नेपाल। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ चार भागों में, ठीक है, उत्तर की बात कर रहा है, उत्तर मतलब ऊपर, ऊपर की दिशा में क्या पड़ रहा है, उत्तराखंड और नेपाल। तो इस तरह से आप, अगर आपके सामने मैप होगा तो आप अच्छे से याद कर पाएंगे। अगर आपके पास एटलस नहीं है तो प्लीज़ आप एटलस परचेज कर लीजिएगा, अदरवाइज नेट पे कलरफुल मैप यूपी का डाउनलोड कर लीजिए और अपने अपने मोबाइल पे अपने सेल में उसे सेव कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम में, ठीक है, सॉरी, उत्तर पश्चिम में पड़ता है हिमाचल प्रदेश, पूर्व में है बिहार और झारखंड, ठीक है। पूर्व में क्या है, पूर्व इस तरफ पड़ गया, आप जो डिस्प्ले देख रहे हैं आपकी राइट साइड में क्या पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए आप, बिहार वे झारखंड, पूर्व में बिहार और झारखंड, ठीक है। पश्चिम में पड़ता है हरियाणा, दिल्ली वे राजस्थान, और दक्षिण में क्या पड़ेगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। दक्षिण मतलब नीचे की ओर, नीचे की ओर क्या पड़ता है मैप में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चारों दिशाएं दी गई हैं, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आपको याद करना है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपसे पूछता है दक्षिण के बारे में कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन कौन से दो प्रदेश स्थित हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये पूछता है। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने बोल दिया दक्षिण तो केवल दक्षिण आप पेन डाउन करके आप बस याद कर लेंगे, नहीं, आपको जरूरत के हिसाब से तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आपको सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है। स्टडी कभी भी हो जरूरत के हिसाब से नहीं होती, स्टडी होती है हमेशा सेफ्टी के हिसाब से। आप कितना सेफ है एग्जाम को लेके, ये देखिए आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है, 240,928 वर्ग किलोमीटर। उच्च न्यायालय कितने हैं, इलाहाबाद, इसका उच्च न्यायालय कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है इलाहाबाद में। भाषा जो है यहाँ के उत्तर प्रदेश की वो है हिंदी, और दूसरी जो राजभाषा बनी वो बनी थी उर्दू। किस वर्ष कौन सी राजभाषा बनी थी, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। आगे बात करते हैं, यहाँ के जो मंडल या फिर संभाग कितने हैं, 18, जिले कितने हैं, 75, विधानमंडल किस प्रकार का है, द्विसदनात्मक, और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, यहाँ पे विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है 404, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पर है 404। अब हम बात करते हैं यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की है इसके बारे में, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए प्रदेश का नाम जो उत्तर पश्चिम प्रांत था 1836 से, इस प्रदेश को हम यूपी नहीं बोलते थे 1836 से, हम इसको बोलते थे उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 से आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत बने, ठीक है, इसको संयुक्त प्रांत इसलिए बोलते थे क्योंकि 1877 में आगरा और अवध को आपस में मिला करके एक राज्य का निर्माण हुआ जिसको बोला गया संयुक्त प्रांत। बच्चों मैं बात कर रहा हूँ यूपी की, यूपी का पुराना नाम क्या था, संयुक्त प्रांत, अभी हमने देखा 1937 से केवल हम इसको बोलने लगे संयुक्त प्रांत, और 26 जनवरी 1950 से संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित कर दिया गया, इसका नया नाम रखा गया यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, ऑप्शन चार देगा आपको, राइट आंसर पता होना चाहिए संयुक्त प्रांत। किस वर्ष से नाम परिवर्तित हुआ, संयुक्त प्रांत का नया नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, किस वर्ष से ये लागू हुआ, ये नया नाम बना, इसका डेट क्या है, याद रखिएगा 26 जनवरी। अब बात करते हैं प्रदेश की राजधानी, ठीक है, प्रदेश की राजधानी 1836 से बनी थी आगरा, 1858 से थी इलाहाबाद, 1929 में फिर परिवर्तित हुई ये बनी लखनऊ, और 1935 से कंटिन्यू फिर लखनऊ ही रही। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 में। राज्य का विभाजन जो हुआ, यूपी का जो बंटवारा हुआ, काटकर एक नया राज्य बना 2000 में, एक नया राज्य बना जो यूपी का पहले एक भाग था जिसे हम बोलते हैं उत्तराखंड, ठीक है। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड यूपी के 13 जिलों को काट करके बनाया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि राज्य का विभाजन किस वर्ष हुआ और कितने जिलों को काट के एक नया राज्य बनाया गया, उसका नाम क्या था, ठीक है। 13 जिलों को काट के बनाया गया 2000 में, ऐसा केस हुआ और उत्तराखंड का निर्माण हुआ। बात करते हैं राजकीय भाषा क्या थी, देखिए हमको पता थी हिंदी और उर्दू, सबसे पहले हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया 1947 से, ठीक है।
फिर 1989 में उर्दू ने भी अपनी डिमांड रखी कि ये भी राजभाषा बननी चाहिए। तो 1989 में उर्दू दूसरी राजभाषा बनी। राज के पशु क्या है? बारहसिंगा। राज के पक्षी सारस एवं क्रौच। राज के वृक्ष क्या है? अशोक। और राज के पुष्प जो है यहाँ का है पलाश। राज के खेल है यहाँ का हॉकी। और राज के चिन्ह क्या है? यहाँ पे एक वृत्त में दो मछली तथा एक तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ। एनसीआर, एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं? प्रीलिम्स एग्जाम में यूपी के 2011 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी का एक जो अदरक किसी पोस्ट का एग्जाम था, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि एनसीआर में यूपी के उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को सम्मिलित करा गया है? 6, 7, 8, 9। ये चार ऑप्शन आपको देगा। आपको राइट आंसर लगाना है 6। पता होना चाहिए आपको कि 6 कौन कौन से जिले हैं, उनका नाम क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो मैक्सिमम एग्जाम में बस यही पूछता है कि एनसीआर में यूपी के कितने जिले सम्मिलित हैं, उनकी संख्या क्या है। तो आपको याद रखना है 6। राज्य विधानमंडल है द्विसदनात्मक। और राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? 1937 में, उत्तराखंड बनने के पहले। उत्तराखंड जब नहीं बना था, 2000 से पहले की बात कर रहा है, क्योंकि 2000 में उत्तराखंड का जो हुआ ओरिजन हुआ, निर्माण हुआ, नया राज्य बनाया गया 13 जिलों को काट कर, जैसे कि हमने अभी देखा, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 425। जब 13 जिले उसमें से अलग हो गए, तो कॉमन सी बात है कि विधानसभा जो सदस्यों की संख्या होगी वो भी क्या होगी? कम हो जाएगी। वो हो गई 404, ठीक है। याद रखिएगा 404 विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या यूपी में कितनी है? वो है 404। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड में विधानसभा सीटों की संख्या क्रमशः कितनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो बस आप ये रखिएगा याद कि पहले कितनी थी, अब कितनी है, 425, और 404 पे आप फोकस रखिएगा, ठीक है। और राज्य के जो भी खेल, चिन्ह, पुष्प, वृक्ष, पशु, ठीक है, पक्षी, भाषा, इन सब के बारे में आप याद रखिएगा। और राज्य का विभाजन कब हुआ ये याद रखिएगा। कितने जिलों को काट कर बनाया गया एक नया राज्य है, उसको आप याद रखिएगा बस, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 15वीं विधानसभा में महिलाएं सदस्य संख्या कितनी थी? 23। और 16वीं विधानसभा में महिलाएं सदस्य कितनी थी? 35। बात करते हैं फरवरी मार्च 2012 में। इस बुक में थोड़ा सा डाटा ओल्ड है। ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैंने एक बुक में से स्क्रीनशॉट लिया है, फिर आपके सामने ये प्रेजेंट करा है। इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चंस लगेंगे जो यूपी से संबंधित आपको पता होने चाहिए, मैं इस तरह के वीडियो हर एक बुक में से स्क्रीन लेकर के आपके सामने शेयर करता रहूंगा। और अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है नए वीडियो बनाने के लिए, हमको हिम्मत मिलती है और थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ता है। देखिए 16वीं विधानसभा में नेता विपक्ष थे स्वामी प्रसाद मौर्य जो थे बसपा के। अभी जो चुनाव हुए हैं जिसमें बने हैं योगी वहां के सीएम, इससे संबंधित, यूपी से संबंधित एक करंट अफेयर का क्वेश्चंस मैंने बना के अपलोड किया था, आप उसको वॉच कर लीजिएगा। यूपी से संबंधित क्या क्या चेंज हुए, किसने कितने सीटें प्राप्त करी, भाजपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने या फिर अदर किसी पार्टी ने, वो सब मैंने उस वीडियो में बता रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं चाहें तो। अगर आपको ऑलरेडी पता है यूपी के बारे में, स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में, तो वो वीडियो अगर आप वॉच नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं। देखिए सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है महोबा, चित्रकूट और सरस्वती। आगे है राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 89। विधान परिषद का गठन कब किया गया? 1937 में। उत्तराखंड निर्माण के पहले विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या क्या थी? 108। बात करते हैं आगे की, वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 17। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है और सबसे छोटा? मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है? सबसे अधिक जो संख्या है वो है गाजियाबाद में, और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्या है? बागपत। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। उच्च न्यायालय क्या है? इलाहाबाद। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866 में। अगला है आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी एवं बरेली में है। पारिवारिक मामलों हेतु
पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत 1984 में हुई। जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 में लागू हुआ। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं। प्रदेश में कुल कितने औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं इसकी संख्या पूछेगा आपसे, तो उसका नाम है आपका, कौन कौन से हैं टोटल, टोटल 6 हैं। उनके नाम है इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर एवं गोरखपुर। केवल आपको याद रखना कि प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं। प्रीलिम्स एग्जाम की बात कर रहा हूँ, अगर आप मेंस में बैठते हैं तो मेंस में आपको नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको ये सब के सब एक एक लाइन आपके पास टिप्स में आपको याद होनी चाहिए, रट डालो, कई बार इसकी प्रैक्टिस करो, कई बार लिख के देखो, कई बार बोल बोल के पढ़ो आप इसको, तो आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगे। प्रदेश में सर्व न्यायालय हैं टोटल 20 और मंडलों की संख्या कितनी है, 18। अगर बोले संभागों की संख्या कितनी है या फिर बोले मंडलों की संख्या, दोनों का मतलब एक ही है, यह है 18। और सबसे बड़ा जो मंडल है वो है कानपुर, लखनऊ एवं मेरठ। यहाँ पे कितने कितने जिले हैं, 6-6 जिले। अगर बात करें सबसे छोटा मंडल कौन सा है, तीन तीन जिले जिसमें है, यह है मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। राज्यों में नगरों की कुल संख्या 915, जनगणना के समय जनगणना नगर थे 267। सर्वाधिक जनगणना नगरों वाला जिला कौन सा है, वाराणसी। जनगणना के समय वैधानिक नगर है 648 और जिलों की संख्या कितनी है, 75। सर्वाधिक वे सबसे कम वैधानिक नगरों वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक जिसमें जिले हैं वो है बदायूं। बदायूं में कितने हैं, 23। याद रखिएगा बदायूं में टोटल जिले कितने हैं, वो है 23, सबसे अधिक जिलों की बात कर रहा है। ये भी प्रीलिम्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का पूरा पेन डाउन करिए, बड़े ध्यान से लिखिएगा। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम है आपका सरस्वती में, टोटल मिलाकर 2 जिले यहाँ पर हैं। जिलों की संख्या टोटल है 75 और तहसीलों की संख्या कितनी है, 313। 313 थी 2013 से पहले, लेकिन 2013 में 7 तहसील इसमें और ऐड करी गई, सर्जित मतलब बनाई गई, जिसका निर्माण हुआ, अब कितनी हो गई, 320। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट है कि जुलाई में उनको एग्जाम क्रैक किसी ना किसी हालत में करना है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, उसके बाद उनका टारगेट मेंस का होगा, तो ऐसे बच्चों तक, ऐसे अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए सीरीज या फिर एक नए पार्ट के साथ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि मैं पार्ट 2 भी आपके सामने जल्द ही अपलोड करूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।